अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीन व हजरात, दिल कर रहा था आज आपसे बात करूं और उस टॉपिक पे बात करूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिस चीज़ से मैं रिलेट करता हूं, जिस चीज़ से पाकिस्तानी आवाम रिलेट करती है। मैं समझता हूं आप सब लोग जब डिप्रेशन में होते हैं तो यकीनन कॉमेडी कंटेंट या इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें ही देखते होंगे, तो उसमें जो उसका परफॉर्मर है और आर्टिस्ट है वो कॉमेडियन होता है। तो उसकी ज़िंदगी पे आज बात करने के लिए मैंने जिनको दावत दी है वो बड़े ख़ास हैं और मेरे दिल के बड़े करीब हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आर्ट कॉमेडी और पॉलिटिकल सटायर के किंग है जुनैद अकरम। अरे सर, किंग कहाँ कर दिया आप? किंग है सर, आप बगैर बट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। किंग के वो जो सर पे पहनता है क्राउन के, हाँ। आप किंग है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे जुनैद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जुनैद, उमर शरीफ साहब अभी पोस्ट चल रही है सोशल मीडिया पे, वायरल है और बहुत लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें भी करनी चाहिए और एक आम इंसान तक वो बातें पहुँचनी चाहिए जो हमें पता है। मैं समझता हूँ सदी का बेहतरीन कॉमेडियन बोलने वाला और जीनियस अपनी फील्ड का। मैं उनको उमर शरीफ नहीं, मैं उनको ह्यूमर शरीफ बोलता हूँ हमेशा। तो वो जितना मैं समझता हूँ मेरे दिल के करीब है, ओरिजिनल कंटेंट जितना मेरे दिल के करीब है उतना ही आपके भी दिल के करीब है। Absolutely. और हम तो 5-10 मिनट के कॉमेडियन है, वो 3-3 घंटे लिटरली पसीने में हो के आवाम को हंसाते थे और उनको लोग देखते थे, सुनते थे, बर्दाश्त करते थे। मतलब उनके अंदर इतना ज़्यादा कैबिलिटी थी कि आवाम को इतनी देर तक एंटरटेन कर सके। तो क्या बोलोगे उमर शरीफ साहब के बारे में सबसे पहले? यार हम तो किस मुंह से और क्या बोलें, मतलब लेजेंडरी आदमी है, उनको देख के हम बड़े हुए हैं, उन्हीं का ही एलिमेंट अच्छा लगता है हमारे कामों में। एटलीस्ट मैं तो इस चीज़ को ओन करता हूँ क्योंकि मैं तो देखा ही इतना है उनको और बचपन से सुना है, कैसेटों के ज़माने के रिवाइंड कर करके उनके वन मैन शो आया करते थे, ऑडियो क्लिप्स आते थे, स्टेज के ड्रामे आते थे, VCR के अलग होते थे, फिर VCR की ही हम ऑडियो खरीद के वो अलग सुनते थे। तो हीरो है हमारे, और अपने हीरो को आप हमेशा ना एक पेडेस्टल पे रखते हो और एक मकाम पे रखते हो, और वही वाली बात, हमेशा उनको एनर्जेटिक देखा, हंसते हंसाते ही देखा। हालांकि मेरी बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं थोड़ा सा शर्मीला हूँ उस मामले में। तारिक अजीज़ साहब मेरे एक बहुत दिल के करीब थे, मेरे बहुत बड़े हीरो, उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत बार मुझे मौका मिला कि मैं उनसे मिल सकता था, मगर मैं सोचता था यार कहाँ तारिक अजीज़ और कहाँ मैं किस मुँह से सामने बैठूँगा और मैं क्या बोलूँगा, मैं कौन हूँ। तो मैं शर्मा शर्मी में मिला ही नहीं और अब वो दुनिया से रुखसत हो। अच्छा, इसके बारे में मैं तो समझता हूँ, मैंने अपने फेसबुक पे काफ़ी शोर मचाया कि उमर शरीफ साहब को बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक तो मेरा ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से गिला है कि उन्हें ये चीज़ पहले ही लुक आफ्टर कर लेनी थी। हीरो है, लेजेंड है, पाकिस्तान को सर्व किया उन्होंने और उनकी वजह से बहुत जगहों पर पाकिस्तान पहचाना गया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने जब बोला ना जुनैद, मेरा दिल फट गया यार, खुदा की कसम, हॉस्पिटल में कि अपने वक्त के प्राइम मिनिस्टर से जब उन्होंने बात की कि भाई मुझे एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत है, मुझे अच्छी एकोमोडेशन की ज़रूरत है जो US में मिल सकता है। क्योंकि जुनैद, आप ये देखें कि हमारे जो सीनियर मोस्ट कॉमेडियंस हैं जिनको हमने सुना देखा बचपन से बड़े हुए हम देख के, बब्बू बराल साहब कस्मा पुरसी की हालत में मरे, ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे अमानुल्लाह साहब भी एंड में बहुत सारी चीज़ों से गवर्नमेंट से वो मुखातिब थे, अपील, और इवन उनकी कब्र पे भी बहुत बड़ा फड्डा हुआ कि वहाँ की सोसाइटी ने कहा इनको यहाँ पे नहीं, कहीं और तदफीन करो। शर्म आनी चाहिए कि एक बंदे की आप कब्र पे इशू बना रहे हो। फिर उसके बाद आप ये देखें महमूद खान तो रोड पर आ गए, मतलब रोड पे आके अपना सामान वो बंदा बेच रहा है और सामान ले के रोड पे बैठा हुआ है और एक मतलब आते जाता दुनिया पहचान रही है। और मतलब ऐसी माजे जहांगीर साहब की मुझे तस्वीर याद है,
अपनी कल्टस पे उन्होंने एक बैनर अटकाया हुआ था दरवाज़ों पे, और उस पर पूरा लिखा हुआ था मैं 50-50 का अदाकार हूँ और मैं मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। अल्लाह हू अकबर। और मैं माजिद जहांगीर, अच्छा बहुत से लोग मुझसे अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछते हैं इंस्पिरेशन, तो मैं हमेशा माजिद जहांगीर साहब का नाम लेता हूँ। लोग एक्सपेक्ट करते हैं उमर शरीफ, मोइन अख्तर का मैं नाम लूँगा, हालांकि वो भी बहुत बड़े स्टार्स हैं अपनी कैपेसिटी में। तो माजिद जहांगीर का नाम सुन के अक्सर और बेशतर जो यंगर लोग होते हैं वो रुचौंक जाते हैं कि ये कौन थे, क्योंकि 50-50 उन्होंने देखा नई जनरेशन, नई वर्सेटाइल वो आर्टिस्ट। उनकी तस्वीर आई थी वो अपनी अहलिया के साथ सड़क पे अपनी कल्टस में, उन्होंने एक बैनर दरवाजे में बांधा हुआ था और उस पर लिखा था मैं 50-50 का अदाकार माजिद जहांगीर हूँ और हेल्प की दरख्वास्त। फिर वो शायद गालिबन मलिक रियाज साहब ने वो देखी, चूँकि उनके ज़माने के थे वो अंडरस्टैंड करते थे, उनको बहरिया टाउन में घर लेके दिया, आई थिंक अब वो लाहौर में रहते हैं। मैं हमेशा अपने जो फेलो आर्टिस्ट या अच्छे कॉमेडियंस हैं जो काम कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी कर लो। बिल्कुल। और क्योंकि पाकिस्तान में एट दी एंड यही होता है, कुछ नहीं होता है, मतलब अपना हक भी आपको छीनना पड़ता है बहुत सारी जगहों पर। ऐसा ही है। जुनेद, हमारा आर्टिस्ट सड़क पे क्यों आता है, पाकिस्तानी आर्टिस्ट खास तौर पे? इसकी ना बहुत सारी वजूहात हैं, जो एक टेक्निकल वजह है जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारा आर्टिस्ट जो होता है ना वो ऑल एंड ऑल अकेला ही होता है। आप बाहर मुल्कों में अगर देखें ना तो एक टैलेंट मैनेजमेंट नाम की भी एक चीज़ होती है। अच्छा। जो कि आपको मैनेज करे, एक तो पीआर टीम्स होती हैं, वो तो यहाँ भी हैं कि जी नादिर साहब आज आप फलानी बेकरी की ओपनिंग कर रहे हैं, आज फलाने मॉल में जा रहे हैं, वो पीआर होती है। एक होती है टैलेंट मैनेजमेंट, जो कि आपकी ए टू जी, आपके फाइनेंसिस कितने आ रहे हैं, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपके बिजनेस कंसल्टेंट्स भी होते हैं। ओके। वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि जी अभी तो ये पैसा आ रहा है लेकिन ये पैसा बैंक में रखे रखे बेकार है, इसको आप क्रिप्टो में डाल लें, आजकल का बच्चा यही बोलेगा क्रिप्टो में डाल लें, थोड़ा यहाँ करें ताकि आपकी मल्टीपल रेवेन्यू की स्ट्रीम्स हो। अब आप अक्सर सुन, अभी परसों में देख रहा था M&M रेस्टोरेंट खोल रहा है, M&M को क्या ज़रूरत है, मगर खोल रहा है, 10 चीज़ों में वो ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं। हमें ये यहाँ पे गाइड, असल में यहाँ मसला है ट्रस्ट का, कुछ चपाती है पराठे, यहाँ मसला है ट्रस्ट का। मैं ट्रस्ट ही नहीं करता आप पे, ठीक है, क्योंकि हमारे माहौल ऐसा, मुझे ये टेंशन होगी यार आज मेरे पास नोट है ये मुझे कोई चूना लगा रहा है तो मैं आपकी बात ही नहीं सुनूंगा, मैं नहीं मुझे ज़्यादा पता है। हालांकि देखो आपको हर चीज़ नहीं पता होती, तुम प्रैंक अच्छा बनाते हो लेकिन तुम कैमरे के पीछे कैमरा कैसे चलना है, लेंस कौन सा लगना है, तुम्हारी फील्ड नहीं है, तुम्हारी फील्ड कंटेंट बनाना है, मुझे आज तक नहीं पता मेरे पास कैमरे कौन से हैं, समझ रहे हो? तो इसी तरह आपकी वेल्थ मैनेजमेंट की भी कंपनीज होती हैं जो आपको गाइड करती हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे ज्यादा से क्या प्लॉट ले लो, प्लॉट ले लो, ठीक है, तेसर टाउन में, सादरी टाउन में, बैरिया टाउन में, ये बस, इससे आगे कोई बात नहीं। एक तो ये बुनियादी वजह है, वक्त पे सही इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और हम लोग वही कहते हैं ना, ये बड़ा ही खतरनाक, फेम जो होती है ना वो खतरनाक चीज़ होती है। आपको लगता है हमेशा यही सीन रहेगा, हमेशा जबकि नहीं होता। वेरी गुड। नहीं होता यार, मैं अभी हूँ कल को कोई और आ जाएगा, हमेशा रिप्लेसमेंट होती है। देखो यार अभी हम रिकॉर्डिंग से पहले क्या बोल रहे थे, तुमने ये पीछे लिखा हुआ है थिंक डिजिटल, थिंक डिजिटल। हम जब थिंक कर रहे थे डिजिटल, हमें टीवी वाले क्या बोलते थे, क्या बेकार काम कर रहे हैं, बिल्कुल डीवैल्यू कर देते, टीवी है यहाँ आज हम सबके चैनल है तो हम क्या करें, मतलब मुझे एक बात बताओ ना, इसी रिसोर्सेज का हमें। अच्छा, इसमें एक और चीज कि भाई देखो बहुत सारे आर्टिस्ट के हम सुनते हैं, अब जैसे मेहदी हसन साहब के साथ भी यही हुआ था, ठीक, उन्होंने 40,000 गजलें गाई थी, 40,000 एक गजल का 100 रुपए तो लिया होगा, अल्लाह हू अकबर, ठीक है, फिर प्राइवेट महफिलें अलग, टूर्स अलग, यूरोप के टूर, इंडिया के टूर, अमेरिका के दुनिया टूर, जानती है यार, दुनिया जानती है, किंग ऑफ गजल यार, ठीक है, फिर प्राइवेट इवेंट्स होते हैं, मतलब हम भी प्राइवेट इवेंट्स करते हैं, अच्छी इनकम होती है। और ये जितने भी सिंगर्स हैं ना, हाँ, ये वैरायटी पे ज़्यादा कमाते हैं, लाइक ये जो इनके जो शोज होते हैं ना, इस चीज़ पे इनको ज़्यादा अर्निंग होती है बनिस्बत गाने की। हाँ, वो गाना तो एक दफ़ा रिकॉर्ड लेबल से निकल गया, अब वो गाने को बेचते हैं हर जगह पे। ऐसा ही बात को, एक कॉमेडियन तो एक लतीफा दूसरी दफा नहीं सुना ये बात, लेकिन एक गाने वाला जो सिंगर है, आज भी दूरी गाए, आज भी दूरी गाए, लोग हिट है, आदत आज भी करीब आके दूरी गा दे, हाँ, समझ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक से बात, तुम एक बार, एक ही प्रैंक दो बार लगाओ, लोग देखेंगे, लोग बोलेंगे सुना हुआ है, देखा हुआ है, कुछ और कर,
मसला ये है कि अच्छा कुछ होते हैं वो, अब चूंकि वेल्थ मैनेजमेंट नहीं आती, किसी की तो राय लेनी नहीं है यहाँ पे, कम भाई तुम्हारी कोई वेल्थ मैनेज कर रहा है तो खुद कर रहे हो ना, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं, वो सिस्टम ही नहीं एग्जिस्ट करता। फिर जो है कुछ होते हैं जरा खुश मिजाज लोग होते हैं, थोड़ा मतलब ड्रग्स में उड़ा दिया पैसा, शराब में उड़ा दिया, लड़की में उड़ा दिया, मतलब उनको लगता है कि आगे भी यही सीन होगा पैसों का। ये भी मैं बताता चलूं मौजिज खवातीन और हजरात, ये जो पॉइंट जुनैद ने अभी रेस किया ना, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि इससे कुछ हमारे आर्टिस्ट नाराज ना हो, लेकिन ये बात हकीकत है, हकीकत है कि अपने अच्छे टाइम पे ये सारी चीजें हमें तो पता है वो लोग करते हैं, अय्याशी, शराब, लड़कीबाजी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं ये जुमला जो ऐड कर रहा हूँ ये यहाँ पे भी ऐड हो सकता है कि अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी की जाए, क्योंकि हर चीज़ का हमारी ख़ास तौर पे फील्ड में कैरियर होता है कि यार 5 साल 10 साल मैक्सिमम 15 साल, इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक सो कि अब हो, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी तेज़ी से चेंज हो रही है हमें नहीं लग रहा अगले 5 साल बाद हम कहाँ हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम जो बात कर रहे थे, एक वजह ना ये भी होती है कि आर्टिस्ट सड़क पे आ जाता है या कसम पुरसी की हालत में होता है, या आपको लगता है कि यार इसने तो बड़ा नोट कमाया था, ये ऐसे क्यों मांग रहा है। देखो वो एक कहते हैं ना, टैलेंट स्किप्स अ जनरेशन, यानी अमिताभ अमिताभ होता है, अभिषेक अमिताभ नहीं होता। आप जितने भी उठा लो, आपको औलाद शाहज़ो नादिर कोई मिसाल के जहन में आती है कि बाप भी सुपरस्टार और बेवकूफ बेटा भी सुपरस्टार। ऋतिक रोशन हो गया, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन का बाप इतना फेमस नहीं था, इतना नहीं था, लेकिन वो मतलब शाहिद कपूर है, रणबीर कपूर, रणबीर कह सकते हो, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम मिसाल है, शाहज़ो नादिर बहुत, शाहज़ो नादिर ये बात ठीक है। और इसमें ये भी है यार, इनको मौका भी तो इसलिए मिले क्योंकि बाप आर्टिस्ट था, बाप आर्टिस्ट था, ये भी तो है, नेपोटिज्म भी तो है, नेपोटिज्म अमेरिका में एक मिसाल मिलती है, कर्ण डगलस, सलमान खान ने गालिबन एक बयान दिया था कि यार सुनार का बेटा सुनार की दुकान पे ही बैठेगा ना, या कोई कहीं और से तो नहीं बिठाएगा गल्ले पे उसको, तो हमारी भी काम में हम अपने औलादों को ही आगे लाएंगे। सही है, ठीक है, ये तो उनका हक है। वैसे एक बात बोलूं, मेरी प्रोडक्शन है, आज मैं प्रोडक्शन ओन करता हूँ, मैं किसी भी प्रोजेक्ट में अगर अपने भाई को लाना चाहूँ तो लोगों को ये कहने का हक नहीं है कि ये नेपोटिज्म है। हाँ। ये मेरा, मैं समझता हूँ वो कंटेंट का हक अदा कर रहा है, अगर तो व्हाई नॉट, अगर डिजर्विंग है तो, अगर डिजर्विंग है तो, मैंने भी तो कजन रखा हुआ है। वाह, बट अच्छा, तो उसपे ये होता है, देखो आर्टिस्ट जो भी हो एट द एंड ऑफ द डे बाप भी तो होता है ना, और बाप अपनी औलाद के लिए बड़ी केयरिंग होती है, और हर बाप अपनी औलाद को निकम्मा ही समझता है, तो हर बाप अपनी औलाद को निकम्मा ही समझता है कि हमें ज्यादा पता है, वाह तुम्हें क्या पता, मैं ऐसा ही है, मैंने तुम्हें पैदा किया, तुमने मुझे पैदा किया, यही है ना डायलॉग, तुम मेरे घुटने से निकले हो या मैं तुम्हारे घुटने से। हाँ, तो बापों को ये पता होता है यार देखो अब ये मैं बीमार हो गया हूँ, ये करोड़ का खर्चा है, मेरे बैंक बैलेंस से जाएगा तो इसको कम करोड़ मिलेगा, तो मैं अपनी लेगेसी कैश क्यों ना करा लूँ, ऐसे ही तो मैं हुकूमत से ले लूँ कि नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अपनी जेब से खर्चा किया तो इसको कम मिलेगा। बाप तो है ना, फिक्र तो होगी ना औलाद की, कैन को छोड़ के जाना है, तो 2-4 करोड़ जब बच सकते हैं तो क्यों ना बचाएं। अच्छा, लेगेसी क्यों नहीं कैश कर? जी जी, अच्छा जुनैद, हमने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस की, अब इसका सलूशन भी बताओ, आपके हिसाब से क्या हो सकता है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं जो कसमा पुरसी की हालत में एंड में दुनिया से जाते हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और खुद आर्टिस्ट या उनकी फैमिलीज वो क्या ऐसा करें कि जो अपने मुश्किल वक्त में जब रिटायरमेंट का टाइम आए तो एक ब्रांड ओन कर रहे हो, एक कोई अच्छा सा हैंडसम सा रेस्टोरेंट ओन कर रहे हो, या कोई और दूसरी कोई छोटी सी दुकान हो, तो एटलीस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या किया जाए इसमें? यार देखो, यही मैं कहूँ, देखो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ना यार, गवर्नमेंट से अपने काम नहीं होते वो आर्टिस्टों को पालेगी, समझ रहे हो, उनसे अपने काम कचरा नहीं उठा सकते, तो उन पे भी हर चीज़ डालना सही नहीं है, आर्टिस्टों को चाहिए। देखो मैं हमेशा अल्लाह से यही दुआ करता हूँ जब ये चीज़ें देखता हूँ ना, खैर कम से कम ये ना हो मेरा, तो आर्टिस्टों को चाहिए आजकल, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, रोज़ाना देखते हो, अपने आप को एजुकेट करें और इस चीज़ से बचने के लिए अपनी वेल्थ मैनेजमेंट का ख्याल करें।
इन्वेस्टमेंट्स करें, बिजनेस मैनेजमेंट आसान अल्फाजों में जरा बताओ, मतलब अपने आप अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना सीखें, मतलब जो पैसा आ रहा है कहाँ लगाया जाए, किसी से मशवरा लें। देखिए वही वाली बात है, आर्टिस्ट जो है उस तरह नहीं सोच सकता जिस तरह एक फंड मैनेजर या एक बैंकर सोच सकता है। और आर्टिस्ट जो होता है ना वो दुनियावी एतबार से थोड़ा सा अकल का कच्चा भी होता है। वो एक कान का भी कच्चा, हाँ वो महंगा ही ले आएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरी तो फैमिली मुझे बाहर कोई चीज लेने में नहीं देती, बोलती है तुम महंगा ही लाते हो। हाँ ऐसा ही। तो अपने आप को एजुकेट करें, नहीं कर सकते तो अपने आप को कम से कम ऐसे लोगों में सराउंड करें या उनके साथ उठे बैठे जो आपकी वेल्थ ज्यादा ही बढ़ा रहे हो, कम ना कर रहे हो। इसमें मैं दो नाम मिस कर गया था, सिकंदर सनम और लियाकत सोल्जर। सेम गोज फॉर एज वेल, बिल्कुल। इन दोनों के लिए भी हम यही हुस्न ज़न रखते हैं और यही उनके लिए भी। अच्छा देखो आखिरी में मैं बात कहूँगा क्योंकि वो फिर लोग इसका गलत मतलब ना निकालें। देखो इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमारे ज़्यादातर आर्टिस्ट निचले तबके से आते हैं। निचले तबके, अब निचले तबके के आदमी से खासतौर पे कॉमेडियन, कॉमेडियन तो आता ही दर्द वाली मैं समझता हूँ कि ह्यूमर नीचे से ही निकलता है। ह्यूमर डिफेंस से नहीं मिलेगा आपको या अमीर आदमी नहीं। अमीर आदमी कितने कॉमेडियन ह्यूमर, हाँ जी हाँ जी ऐसा ही है, ऐसा ही। मैं समझता हूँ ये जो शोहरत है ना अल्लाह ताला दे के बोलता है हम, मैं देख रहा हूँ। हाँ क्या बेटा क्या करता है, क्योंकि बिलीनियर्स जो हैं वो बहुत लोग हैं, मतलब भरा पड़े इलाके दर इलाके, रोड पे जाओ भरे पड़े हैं ना बिलीनियर्स, खूबसूरत एक से एक है, अकलमंद हर दूसरा बंदा है थड़े पे बैठा हुआ, तेरे को मशवरा दूं, डेढ़ होशियार नहीं है तो शोहरत याफ्ता नहीं है। शोहरत याफ्ता मैं समझता हूँ चुनिंदा बंदे होते हैं जिनकी पॉजिटिव शोहरत जिनकी हो वो एक नेमत है और वो बहुत जगहों पे काम आती है। आप जानते हो बहुत जगहों पे पब्लिक प्लेसेस पे जब हम जाते हैं तो कितनी हमें एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल मिल जाती है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी एक नेमत के तौर पे। खैर जुनैद थैंक यू सो मच, थैंक यू नाज़िर, आप आए और आपने इस टॉपिक पे मुझसे बात की, क्योंकि बहुत दिनों से ये टॉपिक मेरे दिमाग में चल रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि यार आखिर में, क्योंकि हमारी भी तुम्हारी मेरी डोरें जाके वहीं से मिलती हैं, हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो हमारे बड़े इस तरीके से जा रहे हैं तो ये चीज़ ना मेरे लिए हिलाती थी, अलार्मिंग थी। तो उस चीज़ पे कोशिश की है बात करने की, उम्मीद करते हैं कि आप तक जो हमने पहुँचाना चाह रहे थे वो चीज़ पहुँची होगी। ज़माना हमें बताता रहा हम इतने गाफिल निकले, जिन्हें पिलाया था खूने जिगर वही कातिल निकले। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच जुनैद अकरम, थैंक यू यार नाज़िर। और बस यही कहेंगे अपना ख्याल रखें इस अपनेपन के साथ कि मेरे को और जुनैद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।